तो दोस्तों पोको एस टू यूजर्स के लिए एक बैड न्यूज है लेकर के आ रही, 2 दिन से आ रही है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स को दिक्कत हो रहा है कि कैमरा इनका नहीं चल रहा है, किनका ब्लैक ट्रेंड्स हो रहा है, किनका डोनल्ड वर्क्स हो रहा है। पोको एस टू यूजर्स का जो पोको एस टू का कैमरा था वो बॉगी हो गया है और पूरा डेड हो गया है, पूरा डेड हो गया है कैमरा, और इसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, क्योंकि जो MIUI 12.1.3 अपडेट था इसके बाद से जो 2-3 महीने के बाद जो अपडेट का रिस्पॉन्स यहाँ पर आ रहा है कि जो इस पर हार्डवेयर इशू हो रहा है किस किन 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 डिवाइस में, तो कैमरा पूरे जी कैम भी इंस्टॉल नहीं हो रहा है, और इस इंस्टॉल करने के बाद भी वो वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि कैमरा पूरा डेड हो गया है। सर्विस सेंटर में कैमरा एक्सचेंज नहीं हो रहा है क्योंकि पूरा मदरबोर्ड चेंज करना पड़ रहा है। जब आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है तो शाम इंडिया पर जाइए, पोको सपोर्ट इंडिया पर जाइए और अपना प्रॉब्लम के भेजिए इसको, इनको इनके पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है आप यहाँ पर भेजिए, और वो मैसेज करके जो आपके शाम सर्विस सेंटर में पोको का जो कैमरा मॉड्यूल है आपका पोको स्टोर का जो खराब हो गया है वो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरा मदरबोर्ड चेंज हो रहा है। मदरबोर्ड का प्राइस 7K 8K और 10K तक चला जाता है क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है, जो 15,000 जो 20,000 रुपये खर्च करके पोको एस टू खरीदे थे वो 10,000 रुपये खर्च करेंगे भाई। ये तो आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इशू है ना, आपका हार्डवेयर इशू एक दो बंदे का पता चलता है, क्योंकि सारे हजार बंदों का मोबाइल का ये प्रॉब्लम आ रहा है अभी। पोको एस टू ये पोको आप सॉल्व करो, क्योंकि सारे पैसा आप नहीं कर सकते भाई, क्यों अफोर्ड करो पैसे, क्यों अफोर्ड करो पैसा, इतने सारे 10K 7K ये बहुत सारे हो गए पैसे। पोको एस टू सपोर्ट में आप जाइए, तो यूजर्स तो आप प्लीज इस चीज़ को जरूर करना, आप ट्विटर पर जाके आपका प्रॉब्लम लिख के पोको इंडिया सपोर्ट को टैग करना और इसको भेजना, और इस प्रॉब्लम को वो समझेंगे और इस अपडेट को नया अपडेट पुश करेंगे, क्या क्या करेंगे ना, मदरबोर्ड चेंज होगा तो वो फ्री करेंगे। तो ये था आज का वीडियो, मेरा कैमरा अब तो ठीक चल रहा है, देखते हैं मैं इसको बूट लोडर ऑन करके एक रोम को स्विच कर दूंगा। तो आपके पास जो भी है, आप कस्टम रोम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो लैपटॉप है कि पीसी है, तो आप भी खुद यूट्यूब से सीख कर आप भी बूट लोडर ऑन करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो आपका अच्छा लगा तो आपको आज इतना ही बताना था, वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना और ट्विटर पर जाके अपना प्रॉब्लम जरूर बताना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ओके, वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके ऊपर टिल देन बाय।